अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़ी वाली मछली। इसमें मिलाएंगे पैकेट मसाला, गोल्डी मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक पाउडर। इसको मिक्स करेंगे। और मसाला के लिए लीम में सूखा मिर्च, लहसुन और एक मीडियम साइज का प्याज और पीला वाला सरसों। मैं जा रही हूँ मसाला पीसने। वीडियो पे बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़ी वाली मछली। इसमें डालेंगे हम मसाला पाउडर, कुल्ली मसाला पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर। इसको मिक्स करेंगे। अब ये मेरा मिक्स हो चुका है। इसको बनाने के लिए मसाला हम लिए हैं पीला वाला सरसों, मीडियम साइज का प्याज, लहसुन, सूखा मिर्च। चलते हैं हम, वीडियो को बने रहिएगा, फिर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़ी वाली मछली। इसमें मैंने नमक, हल्दी और मिर्च पाउडर मिलाया है। अब मैं चल रही हूँ। साथ में है ये मेरा बड़ा वाला बेटा। इसको तैयार करने के लिए मैं चल रही हूँ। ये मैंने लिया है मसाला, सरसों, सूखा मिर्च, लहसुन और मीडियम साइज का प्याज। मिलते हैं फिर अभी। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़ी वाली मछली। इसमें मैंने नमक, हल्दी और मिर्च पाउडर मिक्स करके रख दिया है। मछली को तैयार करने के मसाला लिया है हमने पीला वाला सरसों, सूखा मिर्च, लहसुन और मीडियम साइज का प्याज। मिलते हैं फिर अभी। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा मसाला बनके तैयार हो गया। फिर चलते हैं मछली फ्राई करने। कुछ 5 मिनट रखने के बाद से पूरी तरह से भीग गया है इसमें। देखिए, मैंने गैस को ऑन कर लिया है। इसमें हम डालते हैं ऑयल। यह है मेरा बड़ा वाला बेटा और वो सामने छोटा वाला दिख रहा है। हेलो फ्रेंड, मेरा मसाला बनके तैयार हो गया है और अब मछली फ्राई करने जा रही हूँ मैं। पूरी तरह से तेल गर्म हो चुका है।
तो फ्रेंड मेरा मछली पूरा तल सब्सक्राइब हो चुका है। हेलो फ्रेंड, मेरा मछली बन के तैयार हो गया। तो फ्रेंड मेरा मछली बन के तैयार हो गया और देखिए कैसा हुआ है, कमेंट में बताइएगा किस किस को खाना है। तो